अभी मैं जा रही हूँ एक न्यू जगह पे, मेरे पीछे देख पा रहे हो, देखो टी गार्डन है, और जहाँ पे जा रही हूँ उधर में भी अच्छा जगह है, अभी नहीं बताऊंगी, जाने के बाद आप देखना। दार्जिलिंग में सिर्फ टी गार्डन नहीं है, आपको जलपाईगुड़ी में भी बहुत सारा टी गार्डन देखने को मिल जाएगा। और ये है जलपाईगुड़ी का टी गार्डन। टी गार्डन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं जहाँ पे जा रही हूँ इस रास्ते के साइड में आपको बहुत सारा टी गार्डन देखने को मिल जाएगा। उधर देखो गोदागंज बेलाकोपा रंगदोमाली, मैं अभी जो आगे जाऊंगी उस तरफ लेफ्ट में जो रास्ता मिलेगा वो है बेलाकोपा का, और सीधा जो रास्ता मिलेगा उधर ही मैं जा रही हूँ गोदागंज। मैं अभी बोदागंज पहुंच गई हूँ। ये जो देख रहे हो जंगल, ये जो ट्री वगैरह देख रहे हो, ये सभी बोदागंज में पड़ता है। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ही शांत जगह है। ये जो देख रहे हो ये है बोदागंज इको टूरिज़म, इधर में भी आप जा सकते हो। और मैं जिस जगह पे जा रही हूँ वो अभी नहीं बताऊँगी। आप जंगल देख रहे हो, बोदागंज का जंगल। ये जो बोदागंज प्लेस है बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे, क्योंकि इस जगह पे बहुत ही जंगल है, बहुत ही शांत है, और उतना भी घर नहीं है, उतना हाउस नहीं है, उतना पॉपुलेशन भी नहीं है, इसलिए मुझे ये जगह बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो गाजोलडोबा का रास्ता है, जहाँ पे तीस्ता बैरेज है, वो रास्ता इधर से जाता है, इधर से भी आप गाजोलडोबा जा सकते हो। वो बस देख रहे हो, रुको अच्छे से दिखाती हूँ, वो जो बस निकल रहा है वो गाजोलडोबा का ही बस है। इसी रास्ते से आप राइट का जो रास्ता है, बस जहाँ से निकल रहा है उधर से आप गाजोलडोबा जा सकते हैं। ये जो रास्ता देख रहे हो यही रास्ता गाजोलडोबा जाता है, तो आप बोदागंज होके भी गाजोलडोबा जा सकते हो। और इस रास्ते से सीधा मैं निकल गई हूँ, सीधा जाके अभी मैं इस तरफ जहाँ से गाय माता आ रहा है इस तरफ जाऊंगी मैं। ये देखो घना जंगल, कैसा लग रहा है ये जंगल। वीडियो में उतना क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया जगह है, मतलब बहुत ही बढ़िया है। ये देखो बड़ा बड़ा पेड़, कितना अच्छा, बहुत ही शांत जगह है, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग जब आओगे इधर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। विंटर में बहुत ज़्यादा पिकनिक खाने के लिए इधर आते हैं, आप लोग इधर में विंटर में भी पिकनिक खाने के लिए आ सकते हो। और आप लोग घूमना चाहते हो तो तब भी सिलीगुड़ी से आप लोगों को कितना है? एक घंटा जैसा लगेगा ये जगह आने में। और ये जो फॉरेस्ट है इसका नाम है आई थिंक बोदागंज, नहीं बोईकंठपुर फॉरेस्ट, इसका नाम है बोईकंठपुर फॉरेस्ट। और अभी मैं पहुँचने वाली हूँ, रुको कौन सा जगह बताती हूँ। ये देखो अभी पहुँचने वाली हूँ, हाँ अभी मैं पहुँच गई। ये है एक मंदिर जहाँ पे लोकल लोग आके पूजा करते, मन्नत मांगते। क्यों मन्नत मांगते, क्योंकि बताती हूँ, ये जो दो ट्री देख रहे हो ये दो ट्री मिल गया है एक साथ, और इसीलिए ये जगह बहुत ही फेमस है, और इस मंदिर में आके इसीलिए सभी मन्नत मांगते हैं। अभी मंदिर पहुँच गई हूँ और आपको दिखाती हूँ मंदिर। इस रास्ते से जाना पड़ता है मंदिर। इस मंदिर का जो एक्स्ट्रा स्पेशल मैटर है वो है दो ट्री है, दो गाछ है, जो रूख है, तो अलग अलग रूख है वो ज्वाइंट हो गया है, और उसका पत्ता भी अलग हो गया, तो एक ऐसे करके और एक गाछ ऐसे करके ज्वाइंट हो गया है। ज्वाइंट होके जो पत्ता है दोनों एक ही गाछ का अलग अलग दो पत्ता है। आपको दिखाती हूँ, मैं समझा नहीं पा रही हूँ आप लोगों को, आपको दिखाती हूँ। ये फेमस मंदिर है, इस मंदिर का नाम है गाजोलडोबा का मंदिर।
आप इधर में आ सकते हो, पूजा भी दे सकते हो। अभी मैं जा रही हूँ इधर। ऐसा है रास्ता। मंदिर के बाहर है क्या, है गाय है क्या, भैंसी है, पता नहीं। मुझे घंटी बजाने का मन कर रहा है लेकिन दिखाती हूँ। जो मैंने गाज के बारे में बोला था, जो दो रूख थे वो दो रूख ऐसे जॉइंट लग गया है, जॉइंट लग के वो एक हो गया है, इसलिए ये मंदिर फेमस है। रुको मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो देख पा रहे हो इस गाज का नाम है बॉड गाज बंगाली में, मुझे पता नहीं है हिंदी में क्या बोलते हैं बॉड गाज। और इस गाज का नाम बोला पाइखोर, इधर का लोकल आदमी नहीं बोला। इस गाज का नाम है पाइखोर। इसका पत्ता अलग है, ये जो गाज देख रहे हो इसका पत्ता अलग है और इसका पत्ता भी अलग है। दोनों गाज अलग अलग गाज एक साथ वो देखो ज्वाइंट हो गया है। एक इधर में है पाइखोर, इधर में है बॉड गाज, ये दो ज्वाइंट हो गया है। कोई कोई बोलता है इधर में मन्नत मांगने से भी पूरा हो जाता है क्या। और इस साइड में बगल में शादी हो रहा है, देखो इधर में शादी हो रहा है, देखा बंगाली शादी हो रहा है इधर में। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर का बाहर का नज़ारा कैसा हो। तो चलो, ये है मंदिर का फ्रंट का साइड, देखो इधर में भी एक बेल है। टच नहीं कर पाई मैं। ये देखो शिव, बहुत बड़ा शिव, इधर में बहुत बड़ा शिव, वो देखो, देखा। इधर का नाम है बैकुंठपुर शालबाड़ी जोड़ा बट बारपाटिया बोदागंज जलपाईगुड़ी। ओ देखो ट्री, देखो ये जो रूख इधर से भी दिख रहा है, वो दो अलग अलग रूख ऐसे जॉइंट हो गया है, देखा। मंदिर का आसपास का व्यू वो देखो, ये मंदिर का ही झील है। उधर जो फॉरेस्ट देख रहे हैं इसको बैकुंठपुर फॉरेस्ट बोलता है। और ये है मंदिर और ये है झील, और जो मैं कैमरा कर रही हूँ वो है मैं। उधर के पास में जो एक फॉरेस्ट है उसका नाम है बैकुंठपुर फॉरेस्ट, मेरे जो अभी पीछे है ये देखो, मेरा पीछे भी ये जो फॉरेस्ट देख रहे हो इसका ही नाम है आई थिंक बैकुंठपुर फॉरेस्ट। साल से गुंट्री मंदिर फॉरेस्ट के पास, मंदिर फॉरेस्ट के पास में ही है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये मंदिर, ये बड़ा शिव का मूर्ति है। इधर जो करला रिवर है ना जलपाईगुड़ी का, ये रिवर इधर से आया है बोल रहा है, इधर से ऑरिजिन हुआ है ऐसे मैंने सुना है, रिवर इधर से ऑरिजिन हुआ है। ये मंदिर आना चाहते हो तो आपको जलपाईगुड़ी से, जलपाईगुड़ी टाउन से भी आ सकते हो, और आप सिलीगुड़ी होके जो बेलाकोबा है बेलाकोबा से भी आप लोग इधर आ सकते हो। जलपाईगुड़ी टाउन से आओगे तो शांतिपाड़ा बस स्टैंड में भी बस आपको मिल जाएगा, कम बस है थोड़ा लेकिन आपको मिल जाएगा। जलपाईगुड़ी टाउन आते टाइम जो गोशाला मोड़ पड़ेगा, जलपाईगुड़ी टाउन घुसने के टाइम वो गोशाला मोड़ से आप लोग मैनागुड़ी मतलब आसाम से आ रहे हो तो आप लोगों का राइट में पड़ेगा, और आप सिलीगुड़ी से आ रहे हो तो आप लोगों का लेफ्ट में जो रास्ता मिलेगा उधर से ही
मंदिर आप आ सकते हो। वो रास्ता लेके सीधा आओ, सीधा ये मंदिर है, और आप थोड़ा थोड़ा पूछ के भी आ सकते हो। अच्छा है, जिसको जो ज़्यादा मानते मन्नत करते वो लोग इधर आके मन्नत कर सकते हो। और ज़रूर 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 बताना कमेंट करके कैसे लगा मंदिर। ये देखो, मैं अभी मंदिर से निकल गई हूँ, और ये देखो टी गार्डन, कितना अच्छा अच्छा टी गार्डन। ये जलपाईगुड़ी का टी गार्डन, टी गार्डन का नाम पता नहीं है, टी गार्डन का नाम मुझे पता नहीं है। मंदिर कैसे लगा बोलना, और खास करके वो मंदिर जिसके लिए है, वो है ट्री के लिए, वो ट्री कैसे लगा जरूर कमेंट में बताना। और प्लीज़ मेरा वीडियो शेयर कर देना, सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना।